मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, अब अमेरिका में भी बजा मोदी राज का डंका। किसरे की इस हकीकत को छुपाने की नाकाम कोशिश, अमेरिका की रिपोर्ट में दावा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी लोगों से छिनती ही जा रही है। यह बात मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेशी विभाग की 2021 की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस बात का खुलासा अमेरिका की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार बयान जारी कर मामले की लीपापोती और सच्चाई को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देश के संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, देश में लोकतंत्र राज चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि इस मुद्दे को समझना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मायने क्या है, इन सभी पहलुओं को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिका की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस अमेरिका की रिपोर्ट में क्या है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल रिलीजियंस फ्रीडम विभाग के राजदूत रसद हुसैन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। ये आंकड़े अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की जारी रिपोर्ट से अलग हैं। अप्रैल महीने में आयोग ने विदेश मंत्रालय से सिफारिश की थी वह भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाल दे। आयोग की ओर से बीते 3 सालों से यह सिफारिश की जा रही है, लेकिन भारत को अभी तक इस सूची में नहीं डाला गया है। इस अमेरिकी रिपोर्ट में लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वाले देशों का उल्लेख करते हुए ब्लिंकन ने सऊदी अरब के साथ साथ चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है कि चीन में मुस्लिम, बीगर समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का दमन जारी है। वहीं पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2021 में कम से कम 16 लोगों पर ईसा को देखते हुए मामला दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। भारत का जिक्र करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ऐसे गैर हिंदुओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसे हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए अपमानजनक माना गया है। रिपोर्ट में त्रिपुरा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के साथ हुई लिंचिंग की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। तो साथियों, आप भली बात समझ सकते हैं कि देश के अंदर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसकी भनक अब विदेशों में भी पहुंच गई है। जो लोग अपने आप को कट्टर राष्ट्रभक्त कहते नहीं थकते हैं, अब उनको समझना चाहिए और सोचना चाहिए क्या ऐसी घटनाएं विश्व पटल पर जाएंगी। विश्व के सामने जब भारत की हकीकत पता चलेगी तो इस पर भारत की छवि का क्या असर पड़ेगा, यह एक सोचने वाली बात है और इस पर गहन मंथन होना चाहिए। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जो बयान जारी किया है उसे भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की इस रिपोर्ट पर अपने आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट यानी कि अमेरिकी रिपोर्ट और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की बेबुनियाद जानकारी पर आधारित टिप्पणियों पर हमारा ध्यान गया है। भारत ने कहा, हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई जानकारियों और पक्षतापूर्ण नजरिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिका में होने वाली नस्ली हिंसा और गन वायलेंस के मामलों का भी जिक्र किया गया है। भारत ने कहा है कि विविधतापूर्ण समाज के तौर पर भारत धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का सम्मान करता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहां की चिंताओं के मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। इसमें नस्ल और मूल के आधार पर होने वाले हमले, हेड क्राइस और गन वायलेंस के मुद्दे भी शामिल हैं। तो साथ ही आपने देखा किस तरह से भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले की लीपापोती करके इस मुद्दे से विदेशों का भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है यह आपको समझना जरूरी है और कुछ हद तक आप इस रिपोर्ट से समझ भी गए होंगे।
हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने इस अमेरिकी रिपोर्ट को ही खारिज या गलत साबित करने की कोशिश की है, जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाया गया है और उल्टा अमेरिका पर ही नस्ली भेद का ज्ञान दे बैठे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जब दो पड़ोसी आपस की लड़ाई में अपने घर की कमियों को दूर करने की बजाय एक दूसरे की पोल खोलते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि मान के चलो जब दो पड़ोसी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अगर किसी भी पड़ोसी को अपना घर समृद्ध बनाना है तो उसे अपने घर की कमियों को दूर करना होगा, न कि पड़ोसी की गलतियों को। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।